Assalamu alaikum students. Today we will discuss exercise of chapter one. Here I will list down um, short questions from your uh, textbook. MCQs will be done by yourself and we will not do uh, question five as we didn't study this topic up till now. First question is that we have to give important characteristics of uh, computers I have list down characteristics from your book as well as from the internet. You can write down any um, five, four, five characteristics. Uh, first important characteristic of a computer is that it is a data processing device. What does it mean by that? That it inputs uh, data and perform instructions and give us result. Second characteristic is that it is a programmable device that it perform instructions on the basis of uh, pro, uh, on the basis of programs given to or on the basis of instructions which are given to it, right? And third feature is that it is it has capability of storage that it stores data temporarily or permanently. और परमरी डेटा वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क में भी स्टोर करता है और इसके अलावा हम और भी स्टोरेज uh, डिवाइस का अटैच करके उसके अंदर डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं जो हम uh, कहीं और भी कैरी कर सकते हैं अनदर फीचर ऑफ कंप्यूटर इज दैट इट इज़ अ डेटा इट प्रोसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड एज वी ऑल नो दैट इफ़ यू परफॉर्म अ टास्क In hours, and the same task will be performed by the computer in few seconds. That's why its uh, uh, speed is measured in uh, millions per second, uh, minimum. और क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है जितने ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं उतनी ज़्यादा उनकी फास्ट स्पीड होती है कैलकुलेशन परफॉर्म uh, करने की एंड अदर फीचर इज़ इट्स एक्यूरेसी व्हाट डज मीन बाय दैट दैट एवरी टास्क व्हिच इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ परफॉर्म इज़ परफॉर्म बाय द कम्प्यूटर एक्ोरेटली और विदाउट एनी एरर जो एरर आ रहा होता है वो नॉर्मली या तो हम इसको इंस्ट्रक्शन गलत दे रहे होते हैं और यहाँ हम इन एक्यूरेट डेटा जो है वो कंप्यूटर को दे रहे होते हैं इसकी रीज़न ये होती है ठीक है अनदर फीचर इज़ इट्स परसिस्टेंस एज देर इज़ नो टायर्डनेस और फटीक इन इन द कम्प्यूटर तो वो थकता भी नहीं है और अगर आप उससे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप उसको दे दें एग्जीक्यूट करने के लिए वो सेम एक्यूरेसी के साथ वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा अनदर फीचर इज दैट इट इज़ अ वर्सटाइल डिवाइस वर्स्टाइल का मतलब ये है कि इट कैन परफॉर्म अ डिफरेंट नेचर ऑफ टास्क और वैराइटी ऑफ टास्क एट द सेम टाइम और इन डिफरेंट टाइमिंगस हमें पता है कि हम इसके थ्रू जो है वो एप्लीकेशंस और लेटर्स भी बना सकते हैं हम अब अगर हमारी कोई कंपनी है हम अपनी स्टाफ की सैलरीज़ और जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम एट द सेम टाइम इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं हम मूवीज़ देख सकते हैं हम सॉन्ग्स जो है वो सुन सकते हैं और इस तरह के बहुत से टास्क जो हैं हम एट द सेम टाइम भी और डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू द कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज

जो लो स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं उन कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेकेंडली दे कैन एग्जीक्यूट ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड थर्ड पॉइंट इज दैट दैट दे कैन सपोर्ट और दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू हंड्रेड और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम दैन फोर्थ पॉइंट इज़ देर यूज़ कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं बैंकिंग uh, के अंदर यूज़ हो सकते हैं ऐसे बैंक्स जिनकी पूरे कंट्री के अंदर ब्रांचेज होती हैं वो अपने तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहता है ठीक है वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं इसके अलावा जो एयर ट्रेवल एजेंसीज़ होती हैं क्योंकि उनके भी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर्स एक ही वक्त में uh, उन उनसे सर्विस ले सकते हैं तो उसके लिए वो uh, जो है वो मेन फिल्म कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं रिसर्च uh, परपज के लिए यूज़ किया जा सकता है किया जा रहा है बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनफिल कंप्यूटर्स दे कैन बी जेड एंटरप्राइज बाई आई बी एम कंपनी और देर एन अदर पॉपुलर सीरीज बाई एच पी ठीक है और इसके अलावा एच पी का ही जो है इंटीग्रेटिप सुपर डोम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एज कंपेयर टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर फर्स्ट दैट दे आर लीस्ट एक्सपेंसिव एंड लेस powerful and small in size as compared to mainframe computers and they are also called personal computers secondly uh, their speed is measured in millions of instructions per second and third point is that that they are normally designed फॉर अ सिंगल यूज़र लेकिन आजकल के जो फास्ट माइक्रोकम्प्यूटर्स हैं वो एक से ज़्यादा यूज़र्स uh, को uh, जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फोर्थ वन इज़ दैट दे आर यूज्ड इन डेली लाइफ हम uh, हमारे घरों में ऑफिस के अंदर स्कूल्स के अंदर जो है डिफरेंट uh, uh, जो है टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं ठीक है और सबसे ज़्यादा जो विजिबल फॉर्म है कंप्यूटर्स की वो माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं नेक्स्ट वन इज़ द एग्ज़ाम्पल्स आई बी एम की लिनोवा सीरीज़ हो सकती है डेल की एक्सप्रेस सीरीज़ है और दैन एच पी की सीरीज़ uh, जो है सीरीज़ जो है वो जो है पॉपुलर माइक्रो कम्प्यूटर्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू गिव एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इट मीन्स कि सुपर कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमने वो देना है यहाँ पे हम पहले इसकी डिफ़ाइन uh, कर सकते हैं वन लाइन में और दैन आई हैव डिस्कस्ड एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दे आर यूज to perform uh, complex calculations uh, and to control complicated machines. ab complex uh, calculation example हो सकती है जैसे weather forecast के लिए या जो है अगर कोई uh, सेटेलाइट से डेटा लेके प्रोसेस करना है तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की एग्जांपल है जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हैं जिनको सुपर कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है उसकी एग्जांपल जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं या ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं या जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनको जो कंट्रोल किया जाता है वो भी सुपर कम्प्यूटर की एक एप्लीकेशन है सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज़ That uh, it can perform uh, uh, as it has the ability to perform data at very high speed. So, normally they are used in weather forecasting and in nuclear research uh, plants uh, for uh, complex calculations. Next. जो इसकी एप्लीकेशन है इज़ टू कंट्रोल पोल्यूशन सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो सैटेलाइट से डेटा लेके uh, किसी भी सिटी के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जो पोल्यूशन का लेवल है वो उसको डिटेक्ट uh, कर सकते हैं इसके अलावा सेटेलाइट से डेटा लेके हम और भी पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक like, जो नॉर्मली फॉरेस्ट के अंदर uh, कभी जो है वो आग लग जाती है और एग्जैक्टली एरिया लोकेट करना हो कि कहाँ पे आग लगी हुई है uh, ताकि जो है वो फायर uh, ब्रिगेड उनको भेजा जा सके uh, तो उस परपज़ज़ के लिए भी सुपर कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट वी हैव टू लिस्ट डाउन और नेम द आर्गेनाइजेशन विच आर यूजिंग सुपर कम्प्यूटर्स in Pakistan uh, here i have listed down some of the organizations which are currently uh, taking benefit of supercomputing um, main names are At atomic uh, energy commission and NERST लर्म्स और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस एंड उलामसाह ख़ान यूनिवर्सिटी और जिसको जी की भी कहा जाता है इसके अलावा कॉम्पसेट uh, का नाम भी uh, आ रहा होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सुपर कंप्यूटर को यूज़ कर रही है ठीक है आपको इंटरनेट से uh, ये uh, जो है वो लिस्ट आराम से मिल जाएगी और आप कन्फर्म भी कर सकते हो कि पाकिस्तान में ये ऑर्गनाइजेशनस जो हैं वो सुपर कम्प्यूटर यूज़ कर रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये डिफरेंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे ठीक है और वहाँ पे ये डिफरेंस uh, हमने डिस्कस किया था ठीक है uh, यहाँ पे डेफिनेशन वाइज़ और एग्जांपल वाइज और इसके अलावा उनकी फ़िज़िकल अपेयरेंस के लिहाज से भी डिफरेंस uh, जो है वो लिस्ट डाउन किया गया है और ऑलरेडी हम इस डिफरेंस को डिस्कस कर चुके हैं आई होप कि आप इस टास्क को आसानी से कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू डिफरेंश बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्स्ट वे लिस्ट डाउन पॉइंट्स फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर विद एग्ज़ाम्पल्स ठीक है As we all know, the system software is the main software which controls all the activities which are happening or going on on the computer. And they are um, such softwares control the computer hardware and also allow us. Um, to run our applications on the computer. Uh, third and the most important point is that we cannot perform any activity on the computer without the presence of system software, or we can say that computer cannot work without the presence of a system software. Fourth point is its uh, categories with examples. I mean, it's categories padhi hai, aur, uh, ठीक है और इसके साथ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिस्ट डाउन कर दी हैं इसकी ठीक है देन वी विल डिस्कस वी विल डिस्कस पॉइंट्स फोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंपैरिजन uh, में होने चाहिए टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय डेफिनेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं विच आर डिज़ाइन टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ यूजर एंड सेकेंडली दे आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और टास्क पर्टिकुलर टास्क जिनको कहा जाता है जैसे एप्लीकेशंस क्रिएट करना या मार्कशीट्स क्रिएट करना या प्रेजेंटेशंस बनाना दीज आर स्पेसिफिक टास्क विच आर परफॉर्म्ड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड पॉइंट इज in comparison that our computer will work um, appropriately if there is no application software even it means ki, agar, ek, application software computer open it will not affect the performance or working of your computer. ठीके? Then I will list down the examples uh, here uh, with categories.

कि जो इस सॉफ़्टवेयर का ऑनर है या जिसने इसको क्रिएट किया है वो इसका बेनिफिट उठा सके और वो आगे अगर सेल करना चाहे आ, तो विद uh, लाइसेंस तभी ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए अदरवाइज इट इज़ अगेंस्ट द कॉपीराइट राइट ला देन। वी आल्सो डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर जिसमें एप्पल Uh, कंपनी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आ जाते हैं देन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो विंडोज़ है और इसका जो ऑफिस है जिसके अंदर एमएस वर्ड इंक्लूडेड है पावर पॉइंट इंक्लूडेड है और एक्सेल इंक्लूडेड है uh, वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर uh, की कैटेगरी में लाई करते हैं देन माइक्रोसॉफ़्ट का ही टीम सॉफ्टवेयर uh, जो आजकल मीटिंग्स के लिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ हो रहा है uh, वो भी जो है वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है

ठीक है थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू द शेयरवेयर दैट यू कैन राइट इज़ देअर एग्ज़ाम्पल्स एंटी वायरसेस जो हैं वो शेयरवेयर की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि जिनको हम ट्रायल वर्जन के तौर पर यूज़ करते हैं और दैन हमें अगर फर्दर यूज़ करना है आफ्टर थर्टी डेज तो हमें उनको बाई करना है होता है इसके अलावा कुछ कम डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को स्मॉल इन साइज कर देते हैं अगर आपने ई मेल करना है या आपने सोशल मीडिया के ऊपर या आपने किसी को uh, सेंड करना है थ्रू व्हाट्सएप तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं दे आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ शेयरवेयर ये भी हमें ट्रायल वर्ज़न के तौर पे मिलते हैं स्पेशली जो इनके लेटेस्ट वर्जन होते हैं वो ट्रायल वर्जन के तौर पे मिल रहे होते हैं और अगर उसके बाद अगर उनको यूज़ करना है हमें इनको बाय करना पड़ता है ठीक है देन हम लेस्ट डाउन करेंगे फ्रीवेयर के पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू शेयरवेयर बाय डेफिनेशन ऐसे सॉफ्टवेयर्स विच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी डू नॉट हैव टू पे मनी टू यूज़ देम आर कार फ्री वेयर सॉफ्टवेयर एंड दे आर कार्ड फुल वर्जन एज कंपेयर टू शेयरवेयर जो कि ट्रायल वर्जन कहलाते हैं और दे आर अवेलेबल फॉर अन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम कि इट मीन्स के इनका कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है थर्टी और सिक्सटी डेज और हम इनको फर्दर यूज़ के लिए हमें इनको बाय भी नहीं करना पड़ता दिन कम्स द एग्जांपल्स जो हमारी बहुत सारी सोशल मीडिया की एप्लीकेशनस हैं लाइक स्काइप व्हाट्सएप वाइबर और इसके अलावा जो ब्राउज़र्स हैं uh, जैसे गूगल क्रोम है मोजीला uh, फायरफॉक्स है या ओपरा है दे ऑल आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट और इनको डाउनलोड करने के लिए हमें आ, कोई भी मनी पे नहीं करनी पड़ती है। हमें इनको बाय नहीं करना पड़ता है सो दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द टॉपिक्स वी हैव डन अप टिल नाउ और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे देन हम उसके बाद उसकीसाइड डिस्कस करेंगे uh, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कुछ पूछना चाहते हो आप uh, मुझसे जो है वो सब्जेक्ट ग्रुप के ऊपर uh, पूछ सकते हो थैंक यू सो मच